लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन करने पे राबड़ी तेजस्वी समेत 92 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। क्या है पूरी खबर हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबर। चलिए एक नजर में देख लेते हैं बिहार का कोरोना अपडेट। आपको बता दें कि कल आए 174 नए मामले के साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव की टोटल संख्या 3359 पहुंच गई है। वहीं कोरोना के वजह से मरने वालों की संख्या 20 पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि अच्छी खबर है राहत वाली कि अब तक 1209 लोग जो है इस बीमारी से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। बिहार के कुल रेलवे स्टेशन पे भोजन के लिए प्रवासी मजदूरों के बीच छीना झपटी। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को प्रवासी मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि क्यूल रेलवे स्टेशन पे प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन का इंतजाम किया गया था, जो कि भोजन एक पैकेट में रखा हुआ था और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो नियम थे वो प्रशासन ने सही तरीके से नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से ऐसा माहौल बना। आपको बता दें कि इस तरह के घटना के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, तो वहीं इस तरह की घटना जो है मजदूरों की मजबूरी दिखाता है। अगली खबर राहत वाली है। आपको बता दें कि टिड्डियों का दल जो कि बिहार के तरफ आ रही थी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। आपको बता दें कि टिड्डियों का दल जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश की तरफ चले गए हैं। वहीं बता दें कि इसकी आशंका फिलहाल तो कम हो गई है, लेकिन कृषि विभाग के जो सचिव है डॉक्टर एन श्रावण वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसी वजह से उन्होंने जो सीमावर्ती जिले है बिहार के 10 उनको अभी भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। बिहार के क्वारंटाइन सेंटर पे पुराने प्रवासी मजदूरों के साथ अब नए मजदूरों को नहीं रखा जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के संक्रमण की घटना को रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रकार के निर्देश जो है बिहार के सभी प्रशासन के अधिकारियों को दिया है। विद्यावाहिनी बिहार ऐप की मदद से पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई अब ऑनलाइन कराई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना खतरा को देखते हुए इस समय बिहार के सरकारी स्कूल के करीब 2.5 करोड़ विद्यार्थी अपने घरों में बंद हैं और उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया गया था कि उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह की व्यवस्था किया जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है विद्यावाहिनी बिहार ऐप। इसकी मदद से बिहार की पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मदद मिल पाएगी। खबर पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में हुए 13 हत्याकांड के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ गोपालगंज जाने पर तुले हुए थे। जब पुलिस ने वहां उन्हें जाने से रोका तो उन्होंने 10 सर्कुलर रोड पर प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ उनकी कई नोकझोंक हुई। इसके बाद देर रात सचिवालय थाना ने उनके पार्टी के कई सदस्यों के साथ ही करीब 32 लोगों के ऊपर नाम दर्ज FIR दर्ज किया है, तो वहीं 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज किया है। तो ये कुछ खबर थी जो कि बिहार से जुड़ी हुई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। सब्सक्राइब कीजिए बिहार डेलीकेशन यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।